जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, सनातन धर्म में माँ दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि विशेष महत्व रखता है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। इस पर्व में ज्वारे बोने का विशेष महत्व होता है। इसके फलने से यानी ज्वारे के अच्छे पैदा होने से हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं। दोस्तों, नवरात्रों में माता की पूजा में जौ बोए जाते हैं। बिना जौ बोए माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में जौ बोने के पीछे एक मान्यता है कि धरती की रचना के बाद जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी वो जौ ही थी। इसलिए 9 दिनों में नवरात्रि पूजा के बाद इसे नदी या तालाब में विसर्जित करने की परंपरा है। जौ क्यों बोए जाते हैं, साथ ही इन जौ से हम अपने जीवन को सुख और समृद्ध कैसे बना सकते हैं, ये जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सकें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जौ क्यों बोए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब वनस्पतियों में सबसे पहले जो फसल हुई थी वो जौ थी। इसी वजह से नवरात्रि के पहले दिन हमेशा जौ बोया जाता है, साथ ही उसकी पूजा भी की जाती है। जौ को सृष्टि की पहली फसल माना जाता है। जब भी किसी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो उसमें जौ को अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये अन्न ब्रह्मा के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में जो जौ बोए जाते हैं वो हमें कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी देखते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कलश स्थापना के दौरान अगर जौ 2-3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं तो ये हमारे लिए सुख और समृद्धि लेकर आते हैं, लेकिन अगर ये 2-3 दिन में ना उगे तो ये संकेत होता है कि हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें उसका फल मिलेगा। यदि जौ का नीचे का आधा रंग हरा है और ऊपर से आधा पीला तो इसका मतलब यह है कि आपके साल का शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर जौ सफ़ेद या हरे रंग में उग रहे हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। जौ अगर सूखी और पीली होकर झड़ने लगे तो ये अशुभ संकेत है। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि नवरात्रि के बाद उन उगे हुए ज्वारों का हम क्या करें। जब नवरात्रि का पूजन समाप्त हो जाए तो आप दशहरे के दिन उन ज्वार प्याले से बाहर निकालें। इसमें से कुछ ज्वारों को लेकर आप अपनी पूजा स्थल पर रखें। आप उसमें से 3-4 ज्वारे निकाल कर अपने पैसे रखने के स्थान पर रखें। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आती है और कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। साथ ही कुछ ज्वारे निकालकर आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। बचे हुए ज्वारे में से 1-2 ज्वारा निकालकर घर के सभी लोग अपने पर्स में रखें, क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक होते हैं, श्री का प्रतीक होते हैं और श्री लक्ष्मी को कहते हैं। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ पर कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, आप 2-3 ज्वारे निकालकर आप दुर्गा सप्तशती के अंदर अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों, बचे हुए ज्वारों को आप पानी में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार है तो आप उसे ज्वारे को पीसकर उसका पानी उसे पिलाइए, वो बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ज्वारे से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। और इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।